नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं झारखंड के डोरंडा स्थित एक सेल ऑडिटोरियम में, जहां पर 64वां पुरस्कार समारोह और रेलवे का प्रदर्शनी लगाया गया है। और अभी हम खड़े हैं रेल व्हील प्लांट जो प्लांट के स्टॉल में, जो कि बेला में है। आइए बात करते हैं अर्जुन कुमार से, वो हमें बताएंगे कि आखिर क्या है। एक्चुअली मैं वहाँ पे, मेरा नाम अर्जुन कुमार है और मैं वहाँ पे WM कास्टिंग हूँ। तो वहाँ पे बेसिकली रेल का पहिया बनता है, तो हम लोग वहाँ पे कास्टिंग करके पहिया बनाते हैं जो कन्वेंशनल कोचेज में यूज होते हैं। तो हम लोग का दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है बीजी कोचिन और एक होता है बॉक्सेन होता है। तो प्रेजेंटली हम लोग वहाँ पे बीजी कोचिन बना रहे हैं जो कन्वेंशनल कोचेज में यूज होते हैं। और मतलब जितना भी यहाँ इंडिया का जितना भी रेल है, उसका सारा का प्रोडक्शन आपके ही प्लांट से होता है। एक्चुअली यहाँ पे दो फैक्ट्री हैं, एक एलहंका बेंगलोर में है जिसका नाम है RWF है, और एक यहाँ पे छपरा पटना में है जिसका नाम है रेल व्हील प्लांट बेला। तो दोनों मिलके पूरे हम लोग इंडियन रेलवे का जो बीजी कोचिन और बॉक्सिन का डिमांड है तो उसको हम लोग कैटर करते हैं। बेसिकली ये जो जितना भी रेल है, उसका आप कितनी तरह के व्हील्स को बनाते हैं, वो सारी चीज़ें अगर आप बता देते तो हमें अच्छा लगता। एक्चुअली इंडियन रेलवे में दो टाइप के कोचेज यूज होते हैं, एक होते हैं कन्वेंशनल कोचेज होते हैं जो अभी हम लोग ब्लू कलर की कोच आती है, और एक राजधानी होते हैं जिसको LHB बोलते हैं। तो LHB कोच का एक्चुअली वहाँ पे फोर्ज व्हील बनते हैं जो इंडिया में प्रोडक्शन नहीं होता, हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। और जो बॉक्सन सॉरी जो कन्वेंशनल कोचेज है उसका हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, तो उसका हम लोग कैटर करते हैं। और रेलवे बोर्ड से इस बार का हम लोग का टारगेट है 40,000 व्हील का, रेल व्हील प्लांट को मिला है, जिसमें 30,000 व्हील है बीजी कोचिन और 10,000 है बॉक्सिन व्हील बनाने हैं। तो ये थे हमारे साथ अर्जुन कुमार, जिन्होंने अभी अभी हमें बताया कि रेल व्हील प्लांट बेला का क्या काम होता है और वहाँ पर कितने तरह के व्हील बनते हैं और किस तरीके से ये बाकी के रेल में व्हील लगाने का या फिर इम्पोर्ट करने का काम करते हैं। सनमार्ग लाइव के लिए सुभाष के साथ खुशबू की रिपोर्ट।